सो वेलकम गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे विक्रम यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम पेपर डाउनलोड के बारे में। 2021 की विक्रम यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम पेपर जो है वो डाउनलोड होना चालू हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी ने अपनी एग्जाम कराना भी चालू कर दिया है। वेल गाइस, आपको ओपन बुक एग्जाम पेपर डाउनलोड कहाँ से करने हैं, MA MSc BCom BSc UG और PG इनके जो पेपर है वो साइट पर अवेलेबल हो चुके हैं। साइट का लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हूँ, यहाँ से आप लोग इस साइट पर आ जाना, यहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं कि पेपर्स आपको जमा कहाँ करना है। तो पेपर जो है आपको घर बैठे ही लिखना है और इन पेपर के आंसर लिखने के बाद में इनको आप अपने कॉलेज में जा करके जमा कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर है और पिछले साल की तरह एग्ज़ाम सेंटर शायद इस बार नहीं है। तो इस बार जो है आप लोगों को अपने कॉलेज में जा करके ही जो है जमा करना है और घर बैठे ही आपको लिखना है। आंसर पुस्तिका जो है वो आप लोगों को कहीं भी MP ऑनलाइन सेंटर पर या नज़दीक में मिल जाएगी। ठीक है, आपको जो साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस साइट पर आपको आना है। यहाँ पर ऑल UG एंड PG के डाउनलोड मिल जाएंगे पेपर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि विक्रम यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम फ्रंट पेज, जो आंसर बुक में जो पहला पेज आपका लगेगा वो फ्रंट पेज भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जो नए टैब में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे आएंगे तो MA फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम पेपर है और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। जो इमेज दे रखी है उस इमेज पे उनके सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, तो वहाँ पर आप इमेज पे क्लिक करोगे आपका पेपर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। वेल, आपको और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे पेपर्स मिल जाएंगे, बट इनफैक्ट अभी सारे पेपर्स जो है अपलोड नहीं हुए हैं, तो जो जो पेपर्स आए हैं वही अपलोड हुए हैं, बाकी के जो है वो जल्दी से यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और गाइस, जो है इसकी अलग वेबसाइट भी है, अगर आप चाहो तो विक्रम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, बट वो जो है ज़्यादा लोड ले रही है, इसकी वजह से इस वेबसाइट पर आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक SIS का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो SIS का रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर वीडियो दे रखा है, इसमें देख करके कर लीजिएगा, क्योंकि SIS रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और SIS रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप लोगों का जो है डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो पाएगा। तो आप लोग जो है SIS का रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो जिसके भी छात्र हैं वो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दी है, आप देख करके इसको कर लीजिएगा। एंड गाइस, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोग इसी तरीके की अपडेट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको कोई भी वीडियो अपडेट होगी तो उसको आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।